अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम तो है, मगर कोई ऐसा एक्ट नहीं है। मतलब आपको अगर पता है कि मेरे को इस विटनेस मेरा ये केस के लिए बहुत ज़रूरी है या कंप्लेनेंट ज़रूरी है, तो आप उसको बकायदा एक प्रोटेक्शन दी जाए। मेरा ये मानना है, चाहे वकील हो या एक लिटिगेंट हो, आपको क्या कहते हैं बकायदा, आपको क्या कहते हैं फ्रिस्किंग करानी चाहिए। लगातार एक के बाद एक जिस तरह की खबरें आती है उनको सुन के आप खुद सोचते कि आखिर किस तरह का इस समय सिक्योरिटी को लेकर देश में और सेफ्टी को लेकर माहौल बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के कर्कडूमा कोर्ट से है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक हियरिंग के टाइम पे अक्यूज ने, आरोपी ने, जो विटनेस वहां पर मौजूद था, विटनेस पर ब्लेड से हमला किया, जिसके बाद विटनेस के चेहरे पे और गर्दन पे चोट आई है। उसके बाद तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अर्चित उपाध्याय जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, आप खुद एक एडवोकेट हैं, इस तरह की जब खबरें आप सुनते हैं तो क्या कहेंगे इन पूरे मामलों को लेकर, कैसा लगता है? मैम देखिए, जो ये इंसिडेंट हुआ है ब्लेड वाला, जहाँ पर एक एक्यूज ने एक विटनेस को ब्लेड से मारा है और उस बेचारे को चोट आई है, बेहद ही दुख दिए हैं। मतलब ये एक, आप कोर्ट में उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि एक कोर्ट में जो भी विटनेस हो या विक्टिम हो, वो एक जस्टिस के लिए जा रहा है, और उसी बेचारे के साथ अगर ये हो रहा है तो वो बाहर क्या सेफ फील करेगा अगर वो कोर्ट में ही नहीं कर रहा है। तो विदाउट एनी डाउट है तो गलत चीज़, और इस पर कुछ स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए, कोर्ट को कुछ ना कुछ लाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडिया में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम तो है, मगर कोई ऐसा एक्ट नहीं है, और अगर वो स्कीम भी है तो वो स्कीम को बकायदा इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। मतलब आपको अगर पता है कि मेरे को इस विटनेस मेरा ये केस के लिए बहुत ज़रूरी है या कंप्लेनेंट ज़रूरी है, तो आप उसको बकायदा एक प्रोटेक्शन दी जाए। मैंने पीछे बहुत मुकदमे कर रहे हैं जिसमें मेरे को सिर्फ एक ही केस में एक प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखी विटनेस को, वो भी एक 302 का केस था। तो जहाँ उनको लगा कि एक आई विटनेस है तो हमें यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तो सिर्फ उस केस में दिया गया था। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस मामले में कुछ करना चाहिए और प्रोटेक्शन का खासा ध्यान रखना चाहिए। सर, अगर हम बात सेफ्टी की करें, आज के टाइम में हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा सेफ्टी को लेकर आ जाता है, लगातार प्रोटेस्ट भी ऐसे मामलों पे हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात ऑर्गेनाइजेशन की करें तो कहाँ एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके अगर कोर्ट के अंदर भी कोई इंसान खुद को सेफ फील नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फेलियर के रूप में वो चीज़ साबित होती है। क्योंकि पहले भी कर्कडूमा कोर्ट में हमें कैसा इंसिडेंट देखने को मिला था, जहाँ पे फायरिंग हुई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे, सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, पहले एक फायरिंग वाला किस्सा हो चुका है और उसी के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। पहले क्या कहते हैं लिटिगेंट वकील सब एक तरफ से जा सकते थे और उनकी कोई चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं होती थी। स्पेशली जो जब किस्सा हुआ फायरिंग वाला, ऐसा सेम एक रोहिणी कोर्ट में भी हो चुका है, तो उसके बाद फ्रिस्किंग बढ़ाई गई, लिटिगेंट की एंट्री अलग रखी गई, वकीलों की एंट्री अलग रखी गई। मेरा ये मानना है, चाहे वकील हो या एक लिटिगेंट हो, आपको क्या कहते हैं बकायदा, आपको क्या कहते हैं फ्रिस्किंग करानी चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो या एक मुलजिम हो या कोई भी बंदा हो। रीज़न भी, कोई भी बंदा ब्लैक एंड वाइट में आ सकता है, आप जब तक उसकी आईडी चेक नहीं करोगे कि वो एडवोकेट है कि नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा। दूसरी चीज़, इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्योंकि सिक्योरिटी होती है, तो उनको तो इसका खासा ध्यान रखना चाहिए कि मेटल डिटेक्टर के थ्रू जब कोई बंदा जा रहा है तो कैसे ब्लेड लेकर जा रहा है। मैं खुद भी हैरान हूँ, कल को ये आज एक विटनेस पे हुआ है, हम वकीलों पे भी हो सकता है। मैं किसी केस के लिए लड़ रहा हूँ, किसी कंप्लेनेंट के लिए लड़ रहा हूँ, और सामने वाली पार्टी का एक अपना दबदबा है, तो वो तो कल को किसी भी मेरे वकील भाई या हम पे किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस को और सरकार को इसका बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल से कड़े आदेश इनको इशू करने चाहिए, जिसमें इनको बकायदा डालना चाहिए कि फ्रिस्किंग होगी, कोई ऐसी वैसी चीज़ पकड़ी जाएगी तो उस बंदे के खिलाफ बकायदा प्रॉपर एक्शन लिया जाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से तमाम मुद्दों को रहकर अर्चित जी ने अपनी अपना पक्ष रखा, बताया सेफ्टी का बहुत बड़ा इश्यू हमारे देश में बताया जा रहा है, जहाँ पहले ऐसे हमने हादसे होते हुए देखे थे, रोहिणी कोर्ट का उन्होंने एग्जांपल दिया, उसके बाद कर्कडूमा कोर्ट में पहले भी ऐसी हमें फायरिंग का इंसिडेंट देखने को मिला था, उसके बाद से अब ब्लेड से जो वार किया गया विटनेस पे माफी चाहेंगे, उसको लेकर भी हमें तमाम चीज़ें देखने को मिली। लेकिन अगर बात सेफ्टी की करें तो क्या हमारे देश में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, कोर्ट्स हो, अगर उसमें कोई सेफ नहीं है तो क्या ये एक सवाल सरकार पर उठता है? सेफ्टी इश्यूज को लेकर किस तरह के बड़े कदम सरकार उठाएगी, देखना होगा। तब तक ले बने रहिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन राहुल के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी दिल्ली।